Good morning, Bachavadi. Came to. मोजे में ही होने चाहिए. बहुत बढ़िया. हाँ, मैं जी एकदम डबल मोजे में, ट्रिपल, क्वाड्रा, पेंटा, हेक्टा, फाइनली लाइव क्लास. शाम में है निंजा, थोड़ी तब बात करते बेटा. अनअकैडमी की बुक कब मिलेगी? आपने बोल दिया और शीघ्र ही मिल जाएगी. क्या हाल चाल बच्चा वाड़ी? आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं आपके फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर करने के लिए. डायरेक्ट एंट्री वाले कह रहे हैं हम क्या करें, जॉब छोड़ दें? नहीं, चलिए. मैं जी बढ़िया. अरे सब बताएंगे भैया कौन सी बुक खरीदनी, क्या खरीदना है. एकदम बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त. चलिए, गुड मॉर्निंग. हां जी गुरलीन, बिल्कुल. बच्चा बाड़ी प्लस वालों के लिए बताएंगे सारी बातें, ठीक है. चलो जल्दी से बताओ फटाफट से. अब मुझे बच्चा बाड़ी इसमें से कितने बच्चे हैं जो बोध ग्रुप दे रहे हैं? एक दो बातें मैं स्टार्टिंग में ही पूछता हूं फटाफट से. बोथ वाले बोथ लिखें, सिंगल वाले वन. अब ठीक है, रुझान सारे बोथ की तरफ जा रहे हैं, कुछ सिंगल वाले भी हैं. चलिए बढ़िया. बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वैसे क्या लगता है? आज हम बच्चा बाड़ी पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ. बेसिक्स पढ़ने से पहले थोड़ा 5-10 मिनट सिलेबस की बात करेंगे, उससे पहले हम कुछ और बातें करेंगे, ठीक है. तो अगर आप देखें बच्चा बाड़ी, लैग वैग तो मुझे तो कहीं नहीं लग रहा है कोई लैग आ रहा है, ठीक है. लैग वाले इधर जाए, बिना लैग वाले इधर, बाकी मेरे साथ है. चलिए तो बच्चा बाड़ी, आपको आपके सब्जेक्ट का नाम पता है? पहले तो ये बताइए क्या नाम है. व्हाट इज द नेम ऑफ योर सब्जेक्ट? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ठीक है. सब्जेक्ट पे बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा 5-7 मिनट लूंगा आपके, ठीक है. बाकी बातें, बाकी कथाएं मैं आपको बाद में सुनाऊंगा. क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन. ऑब्वियसली बात है, हमारा हर बार का नारा है और हमने हर बार ये साबित किया भी है, ठीक है. अब की बार 80 पार. सिर्फ बोलने से नहीं होगा बच्चा बाड़ी, मेहनत करनी पड़ेगी 80 पार के लिए. तो कौन कौन से बच्चे हैं जो 80 पार लाना चाहते हैं, जरा हाथ उठाइए फटाफट से. अब की बार 80 पार, ठीक है. बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है सारे बच्चे 80 पार की तरफ खड़े हैं. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. तो बच्चा बाड़ी 80 पार अपने आप आ जाएंगे क्या? नहीं तो क्या लिखा है? सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज योर हार्ड वर्क, परसिवरेंस, स्टडिंग, सेक्रीफाइस. वो तो करना ही पड़ेगा. ये जो इंटरमीडिएट है ना, ये तपस्या है 7 महीने की. 7 महीने की पढ़ाई, 2 महीने सेल्फ स्टडी, ये 9 महीने की तपस्या आपने कर ली, जीवन आपका सफल है. उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना आपने. जब आप पास जाओगे तो कुछ लोग कह सकते हैं, बोले इंटरमीडिएट का रिजल्ट इस बार ज्यादा आ गया, फाउंडेशन आपने क्लियर, कुछ लोग अभी बोल रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अपना एग्जाम क्लियर करना है विद फ्लाइंग कलर्स. मैं एक बात आपसे बोलूंगा, जो ग्रुप वन भी दे रहा है, जो बोध ग्रुप भी दे रहा है, आप ये मत सोचिए कि 300 में से 150 आ जाए, 600 में से 300 आ जाए. आपको सोच के चलना है हर सब्जेक्ट में 80+ तो लाने ही है. मेरे सब्जेक्ट में कैसे लाने वो मैं आपको बताऊंगा. एक बात दिमाग में छाप लो, डो नॉट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एन एवरेज ग्रेड. एवरेज के लिए मैं पढ़ा ही नहीं रहा सर.
अगर आप YouTube चैनल पे जाइए, रिविजन्स देखिए, मैराथन्स देखिए, बच्चा नीचे लिख देता है कि रिविजन मैराथन देख के भी 60 नंबर आ गए। आप तो मेन बैच अटेंड कर रहे हैं भैया, तो अगर मेन बैच आप अटेंड कर रहे हैं तो 80 पार तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है, 80 प्लस तो लाना ही पड़ेगा, इससे कम में बात नहीं बनेगी बच्चा बड़ी, ठीक है। बहुत बढ़िया आशीष का डाउट, बहुत बढ़िया। 80 बार कैसे आएंगे भैया? 80 बार लाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, बहुत बढ़िया। 50 अटेम्प्ट के क्वेश्चन कवर करेंगे अपन, 50 अटेम्प्ट, समझ रहे आप, 25 साल 100% हैंड रिटन नोट्स बनवाऊंगा आपको, 100%। इसीलिए बाजार से जाके आज 350 से 400 पेज की एक नोटबुक खरीद लेना, साथ में 3-4 कलर के पेन, ये सब काम आएंगे। आपने हमारे नोट्स कभी देखे हो या नहीं देखे हो, इतने सुंदर नोट्स बनाएंगे बच्चे कि पढ़ने में मजे आ जाएंगे आपको। प्रॉपर रिवीजन होगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट होगा। और भैया 23 से 24 अटेम्प्ट हो गए मुझे पढ़ाते हुए, बात समझ रहे आप? जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि पिछले करीब करीब 50 एमटीपी में, करीब करीब 40 आरटीपी, करीब करीब आपके 22-24 आपके पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है, सब यहाँ पे है। जब मैं आपको बताऊंगा तो बता दूंगा यहाँ पे ये आरटीपी एमटीपी ये सब, एक्सपीरियंस मैटर्स अलॉट, ठीक। और आरटीपी एमटीपी कवरेज तो अपन करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे बच्चा पार्टी, तब आएंगे 80 पार, ठीक है। सही बात, बिल्कुल। अब एक बात समझिए, सब्जेक्टिव टेस्ट होता है अनअकैडमी के प्लस में, आपको पता होगा, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज चलती है सब्जेक्टिव टेस्ट की, अगर आपको पता है, ठीक है। और साथ में भैया बी प्रिपेयर्ड फॉर एन ऑल इंडिया रैंक, पढ़िए उनसे जिन्होंने जिनसे रैंकर्स ने पढ़ा है। संकल्प के अंदर हम रैंकर्स फैक्ट्री हैं, अगर हमारे पुराने रिजल्ट उठाकर देखिए तो रैंक नहीं, रैंक्स हैं भाई साहब, धड़ाधड़ रैंक्स हैं। तो एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, अब आप मेरी बात समझिए बच्चा बड़ी। तो आगे बढ़ते हैं, अब जरा सिलेबस की बात कर लेते हैं। मैं सिलेबस के लिए कोई पीपीटी ओपन नहीं करता, मैं सिलेबस के लिए बच्चा बाड़ी ओपन करता हूं क्या, इंस्टीट्यूट का दिया हुआ सिलेबस, उससे बेहतर सिलेबस डिस्कशन नहीं हो सकता, आप समझ रहे होंगे। ICAI.org इंस्टीट्यूट क्या कहता है सर सिलेबस के बारे में? इंस्टीट्यूट ने बोला भैया हमारे सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ठीक। कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स का, इसमें कंपनी लॉ भी है और एलएलपी लॉ भी है। सर बचपन में पढ़े रहे एलएलपी लॉ, वही है क्या? हाँ हाँ, कंपनी लॉ भी तो पढ़े रहे वही। अरे बेटा उसके अलावा और भी बहुत चीजें, फिर तो ठीक है। सर कंपनी लॉ में कौन सा एक्ट पढ़ेंगे? इधर आ बेटे, कंपनीज एक्ट, ठीक। कंपनीज एक्ट में सर क्या पढ़ेंगे? बचपन में आपने ये पढ़ा होगा, ठीक, थोड़ा बहुत ये पढ़ा होगा, ठीक। ये सब नया है आपके लिए, अभी समझाऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा। ये है सेक्शन 1 से 2, ये है 3 से 22, ये है 23 से 42। बच्चे कह रहे हैं हाँ, 43 से 72, 73 से 76, 77 से 87, 88 से 122, 123 से लेकर 127, 128 से लेकर 138, 139 से लेकर 148, 379 से लेकर 393। पुराने सिलेबस में ना सिर्फ यहां तक पढ़ना था, ठीक। नए सिलेबस में 15 सेक्शन भी ऐड हो गए, दिख रहे हैं आपको, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये 15 सेक्शन। 15 सेक्शन कौन से हैं? 379 से लेकर 393, ठीक। तो टोटल सेक्शन कितने हो गए भैया?
163, बहुत बढ़िया सर। अब आते हैं एनएलपी में, इन्होंने नए कोर्स में क्या किया कि एलएलपी को ना फाउंडेशन में कम कर दिया, जितना आपने पढ़ा होगा अपने कोर्स में उससे कम कर दिया। न्यू कोर्स है एलएलपी रिड्यूस्ड। इंटरमीडिएट में जो फाउंडेशन में तो था, साथ में कुछ और टॉपिक नए भी डाल दिए, एलएलपी का एमलगमेशन, एलएलपी का रिकंस्ट्रक्शन, ये सब भी डाल दिया। तो एलएलपी इज द पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट ऑल्सो। अब इंस्टीट्यूट की बुद्धि है जी, दो बार एलएलपी पढ़ा रहे, जरूरत नहीं दो बार एलएलपी पढ़ाने की, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, पढ़ा रहे तो अपन भी पढ़ लेंगे, ठीक, बहुत बढ़िया जी। अब तीसरे वाले में आते हैं जी, अदर लॉ। मैं तो हमेशा कहता हूं बच्चा पार्टी, अदर लॉ जैसी ना इंसाफी संसार में कहीं नहीं है, और हम तो अदर लॉ में आग लगा देते हैं भाई साहब। अपने सीनियर से पूछिए, अदर लॉ में तो घोर ना इंसाफी चल रही संसार में, हम तो भैया अदर लॉ में हमारा टारगेट है इसमें तो 28 से 29 नंबर लाने, मतलब करीब करीब 95% के आसपास, तभी तो आएंगे टोटल में 80%। इसमें इंस्टीट्यूट बोलेगा दे 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 नंबर, आपने कहा नो 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 नो, बोलेगा दे दे दे, बोले नो नो नो, यही करना, ऐसे पकड़ के बैठ जाना, बोले ये 30 नंबर मेरे हैं, ये 30 नंबर मेरे हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये भी ठीक है सर, अदर लॉ में क्या पढ़ेंगे, जैसा तुम्हें बड़ा समझ में आ जाएगा, नहीं फिर भी बता दो, तीन एक्ट पढ़ने हैं, जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, फेमा, फेमा, ठीक सर। ये क्या होता है इनमें सर, इनमें क्या होता है सर, इनमें क्या होता है, चलो थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। तो ये कंपनी का थोड़ा बहुत ज्ञान तो आपको है ही, थोड़ा बहुत एलएलपी का ज्ञान भी थोड़ा बहुत है ही, बाकी तो अपन शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सही बात, थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूं, ठीक है। जीसी, इंटरप्रिटेशन, फेमा, फेमा कब लगता है सर, मान लो आशीष, आशीष रहता है इंडिया में, बहुत बढ़िया भैया, इसकी फ्रेंड है चीची या छीची, ये रहती है चाइना में, अरे 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 क्या बात है सर, इसका मुंह आशीष से बड़ा है बेटे, कोई बात, कितनी सर लग रही है देखो, बहुत बढ़िया। आशीष कल, आशीष ने डिसाइड किया, बोले मेरे को इसको लैम्बोर्गिनी खरीद के देनी है गिफ्ट। अब भैया ये तो रहती है चाइना में, ये रहता है इंडिया में, अब अगर चाइना में लैम्बोर्गिनी देनी है तो रुपए से तो नहीं खरीद पाओगे ना आप, मिलने भी गया आशीष बुके लेके, अब वहां ऐसा तो नहीं है जेब से 100 रुपए निकाल रहे, कह रहे इंडियन करेंसी निकाल रहे, कह रहे कौन है भैया तू। आशीष पता है क्या करेगा, आशीष INR लेकर जाएगा, RBI के ऑथराइज डीलर बैठे हैं, मनी चेंजर, बोलेगा भैया INR ले लो, INR ले लो, वो बोलेंगे हमें हमें हमसे क्या लोगे, कह रहा मुझे दे दो चाइना की करेंसी युआन, ये जाके INR दे देगा, बदले में युआन ले लेगा। अब जब वो चाइना जाएगा, और फिर लैम्बोर्गिनी खीसी को गिफ्ट कर देगा, ऊपर सरकार बैठी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो कह रहे हाँ तुम ये कर लो पहले, इधर आ तू, इधर आशीष, इधर आ तू। इसका जो ट्रांजेक्शन है ना, ये फेमा के अंदर कवर हो जाएगा, फेमा के अपने अपने नियम है, अपने अपने अप्रूवल्स हैं। तो फेमा जो है ना बच्चे, ये फॉरेन एक्सचेंज को लेकर डील करता है, समझ रहे हो, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, क्या क्या पढ़ना है आपने, ठीक है, बहुत ही प्यारा एक्ट है, मतलब इससे इंटरेस्टिंग एक्ट नहीं संसार में, ठीक। अगला फेमा ही लेना, हाँ बेटे तुम कितना भी पढ़ा ले, तुम बर्तन नहीं, बर्तन नहीं, कपड़े नहीं, कपड़े ही धोगे, फेना ही लेना,
अब सुनो जीसी एक्ट भैया, जीसी एक्ट क्या बोलता है? अब यार कंपनीज एक्ट में लिखा है इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय डायरेक्टर ही शैल बी लायबल, लिखा होता है ना इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय डायरेक्टर ही शैल बी लायबल। डीजे लोग आराम से सो गई, नेचर्स खा के बोले अरे भैया कितने भी फ्रॉड करो हम थोड़ी लायबल है। ही लिखा है, ही मतलब होता है पुल्लिंग, पुल्लिंग मतलब बोले मेल डायरेक्टर लायबल है। जीएससी एक्ट आया, कह रहा दीदी, ओ दीदी उठ रहे दीदी, सेक्शन 13 में लिखा है जीसी एक्ट के ही इंक्लूड्स शी है, जो प्रोविजन पुल्लिंग पे लगेंगे वो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पे अपने आप लग जाएंगे अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, सारे नहीं अनलेस, अगर कहीं कुछ और दिया है तो, अदरवाइज पुल्लिंग पे लगने वाले प्रोविजन स्त्रीलिंग पे अपने आप लगेंगे, ही इंक्लूड शी, बहुत बढ़िया। ये कहां दिया है जीसी एक्ट में? सर ये तो बड़े प्यारे एक्ट लग रहे हैं, तो पहले इन्हीं को पढ़ा दो। अरे तुम पहले लॉ तो पढ़ लो, अब लॉ तुम्हें पता नहीं इंटरप्रिटेशन कहां से करोगे? सर हम फाउंडेशन में पढ़े रहे। अरे वो मुझे भी मत बताओ, खुद को भी पता तुमने क्या पढ़ा था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जीसी इंटरप्रिटेशन फेमा, बहुत बढ़िया भैया, चलिए डन हो गई कहानी। अब मुझे बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बच्चा बाड़ी, हमारा सिलेबस में क्या पढ़ना है आपको? सब्जेक्ट का नाम बताओ पहले जल्दी से, सब्जेक्ट का नाम है, जल्दी से बोलो भाई, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ठीक है। दो पार्ट में बांट सकते हैं, पहला पार्ट कौन सा है बच्चे? पहला पार्ट है भैया कॉर्पोरेट लॉज, दूसरा है अदर लॉज। अच्छा एक बात बताओ, कॉर्पोरेट लॉ में सिर्फ कंपनी एक्ट ही पढ़ना है क्या? नहीं तो कंपनी एक्ट के साथ और क्या पढ़ना है बच्चों? एलएलपी एक्ट, बहुत बढ़िया। कंपनी एक्ट में पूरा कंपनी एक्ट पढ़ेंगे क्या? नहीं, पहले पढ़ेंगे सेक्शन 1 to 148 और दूसरा पढ़ेंगे सेक्शन 379 से लेकर 393। तो टोटल सेक्शन कितने हो गए बच्चे? टोटल सेक्शन हो गए बच्चे, टोटल हो गए 163 सेक्शंस, ठीक। वारे भैया अदर लॉ में क्या पढ़ना है बच्चों? अदर लॉ में तीन चैप्टर पढ़ने हैं, एक तो जीसी एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट, ही इंक्लूड शी, बहुत बढ़िया। दूसरा है भैया फेमा, फेमा ही लेना, ठीक। और तीसरा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन भी बड़ा प्यारा चैप्टर है ऑफ स्टैट्यूट्स, ठीक। कहानी पता है आपको? क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का आएगा? कह रहे फाइनली लॉ 100 नंबर का मिला हमें। इसमें एमसीक्यू कितने नंबर के आएंगे? 30 मार्क्स। थ्योरेटिकल और केस स्टडी, ठीक। एक बात ध्यान रखिए, इसमें ऑप्शंस भी आते हैं, ठीक। कुल मिला के जो क्वेश्चन पेपर आएगा कुल मिला के वो 86 से 90 मार्क्स, ठीक, प्लस 30। तो आप जोड़ दो तो कितना हो गया बच्चे? 120 मार्क्स, ठीक। सर एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है? नहीं है। जानकर प्रसन्नता हुई, पूरे तुक्के भेड़ दूंगा बच्चे, कह रहा है कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आग लगा दूंगा, नो नेगेटिव मार्किंग,
सर एमसीक्यू कितने नंबर के आते हैं? एमसीक्यू आते हैं बच्चा पार्टी कुछ एक नंबर, कुछ दो नंबर, और कभी कभी केस सिनेरियो भी बनते हैं। केस सिनेरियो कैसे होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। करीब करीब 21 से 22 एमसीक्यू आते हैं, जो ट्रेंड है मैं आपको बता रहा हूं, समझ गए? कुछ एक नंबर, कुछ दो नंबर, कुछ एक नंबर, कुछ दो नंबर, 21 से 22 एमसीक्यू आते हैं जनरली, एक नंबर दो नंबर ऐसा करके, ठीक है? ठीक सर, ये जो 70 नंबर का जो पेपर बचा ये कैसा आएगा? मान के चलिए 85% के आसपास केस स्टडीज, ₹15% क्वेश्चन थ्योरेटिकल, 85% विल बी केस स्टडी। केस स्टडी क्रैक करने का मजा ही अलग है। मतलब ये मान के चलिए 70 नंबर का पेपर कर रहे होंगे अटेम्प्ट, जो 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे इसमें से कम 55-58 नंबर की केस स्टडी मिल जाएगी आपको करने के लिए। दो तीन क्वेश्चन होंगे थ्योरेटिकल 10-12 नंबर के। बात आ रही समझ? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो बताओ भैया, पहले पेज में लिख दो 'सबकी शादियां चल रही है, सब हैशटैग बनाने में लगे हैं, हम भी हैशटैग बनाएंगे, अब एट्टीपा छोटे में, अब एट्टीपा आपकी हो गई, नहीं तो क्या तुम करोगे मुझसे नलायक? देखो रिश्ते ढूंढ रहा है। चलो जी बढ़िया है, आ जाओ। 80 पार लाने वालों को क्या मिलेगा देख लो। बच्चे पहले ही स्वार्थी हो गए, बच्चे कह रहे हैं लाने के लिए लाए, नहीं जरूरी नहीं है, ठीक मिलेगा क्या ये बताओ। वाह बहुत कुछ मिलेगा बेटे, टेंशन मत लो। 90+ पे वादा है मेरा आपसे, लेटेस्ट आईफोन दूंगा, लेटेस्ट, ये मेरा वादा है आपसे, क्लियर बोल रहा हूं, अरे क्लियर बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर लो। बच्चा कह रहा है एक मिनट रुको, वापस करके फिर रिकॉर्ड करेंगे। 50 लोग आएंगे, 50 आईफोन दूंगा मैं बैठा हूं यहां पे, कह रहा उतने पैसे दे देना, क्या करेगा रे पैसे का? बच्चे एक बात बताओ, इतने छोटे तुम हो, कितना मोह है तुम्हें पैसे का? करोगे क्या तुम? जाओगे मोमोज खा लोगे, चाउमीन खा लोगे और सो जाओगे? हद से हद बहुत अमीरी दिखानी हो तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लोगे, जीवन तो वहीं समाप्त है, ठीक है? अब देखो, अब बात समझिए, ठीक है बच्चों, कहानी आ रही समझ? आइए अब थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ेंगे आज, ठीक है? आ जाओ बेसिक पढ़ते हैं। चलो जी चलो जी चलो जी जी जी, मतलब दो साल के स्टाइपेंड से ज्यादा वैल्यू आईफोन की है, बस बेटे यही जीवन है। कह रहे 80+ को क्या मिलेगा? अरे गौरव सब बताता हूँ, बुक के बारे में सबको बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी बहुत सारे डाउट होंगे बच्चों के मन में, सब कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक? एक मिनट रुक जाओ बस। लैम्बोर्गिनी मिलेगी, ना तो मैं आशीष हूं ना तू छीछी है। देखो पोस्टर की बात हो रही है, ऑडिट का भी स्टार्ट होगा, ये भी ठीक है। आपके बुक ऑर्डर करी थी, कब तक मिलेगी? जल्दी ही मिल जाएगी। अरे एक बात है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे कह रहे डाउट बहुत है, कह रहे 2 घंटे की क्लास हो गया, 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे में ना 6 महीने में सिलेबस निपटेगा। अभी पहली क्लास है, अभी पढ़ाई तो करो, 1.5 घंटे में सिलेबस नहीं निपटेगा भाई साहब। बढ़िया आना ही चाहिए। लॉ प्लस ऑलरेडी कॉम्बो वाली कोई बुक है? हाँ हाँ,
एक काम करता हूँ, टीचिंग की दुकान बंद करके बुक की दुकान खोल लेता हूँ अभी। ए बुक ले लो, बुक बुक बुक। अरे पढ़ लो रे, बताता हूँ बुक के बारे में, थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, आ जाओ बच्चों, आज कंपनी का बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद कल से चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आज कंपनी का बेसिक पढ़ेंगे, कल से चैप्टर शुरू करेंगे, आज कोई सेक्शन नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए। सब्सक्रिप्शन 12 जुलाई तक ले रखा है। अरे हाँ यार, 12 जुलाई तो 1 जून को ऑडिट स्टार्ट करना है इसी टाइम पे। ठीक है, अब समझो, मस्ती बहुत मार रहे बच्चों, कंपनी का फंडामेंटल पढ़ना है। ठीक है, समझिए, मैंने एक मीनिंग लिखी है कंपनी की। ठीक, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन वर्किंग फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक, शांति से बैठना 5-10 मिनट। ठीक है, अब देखिए हरी, आपको ना हो सकता है बीमारी हो जाए, देखने के बाद अस्पताल जाना पड़े, पढ़ दो, इसलिए कह रहा हूं नलायक। वर्किंग फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक, मुझे चैट बंद करनी पड़ जाएगी अगर आप लोग ऐसे ही चैटे करेंगे तो। नहीं पढ़ रहे हो आप, आपको पता आप पढ़ नहीं रहे हो। अब देखो मैं चैट बंद कर दूंगा, सीरियसली बता रहा हूं, इसलिए पढ़ाई करो। ठीक है, सब सारे डाउट क्लियर करूंगा आखिरी 15-20 मिनट यही करूंगा। ठीक है, चलो अभी पढ़ो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कंपनी में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो कंपनी को चलाते हैं, एक वो जो पैसा लगाते हैं। जो चलाते हैं उसे कहते हैं डायरेक्टर्स, दे विल मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, राइट। जो कंपनी को चलाएंगे वो डायरेक्टर, जो पैसा लगाएंगे वो होंगे ओनर्स, ठीक, शेयर होल्डर्स। एक बात समझिए, क्या शेयर होल्डर कंपनी नहीं चला सकते? साहब रिलायंस से 35 लाख शेयर होल्डर है, 35 लाख, क्या 35 लाख शेयर होल्डर कंपनी चला लेंगे? नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें अपॉइंट करना पड़ेगा उन लोगों को हु आर हैविंग एक्सपर्टीज, जिनके पास एक्सपर्टीज है कंपनी चलाने का, डायरेक्टर्स। एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर, कोई बता सकता है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का मतलब क्या है? हु इन्वेस्ट मनी, पार्ट ओनर, ओनर मेंबर, ओनर ऑफ पार्ट टाइम फर्म एसेट, एनीवन हु होल्ड शेयर। ठीक, अब मेरी 2-3 बात सुनिए, ठीक है, 2-3 बातें। हम एक्ट शुरू करेंगे, अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं। दो बातें होती है लॉ में, एक होती है डेफिनेशन, एक होती है मीनिंग। मीनिंग में आप कोई भी दे सकता है, डेफिनेशन सिर्फ एक्ट देगा। डेफिनेशन सिर्फ कौन देगा? एक्ट। शेयर होल्डर वर्ड इज नो वेयर डिफाइंड अंडर कंपनी एक्ट, कहीं भी डिफाइंड नहीं है सर। कंपनी एक्ट में शेयर होल्डर की डेफिनेशन ही नहीं है। तो सर मीनिंग तो दे सकते हैं हम, हाँ हम मीनिंग दे सकते हैं, डेफिनेशन नहीं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर? कहता है शेयर होल्डर का मतलब है हु होल्ड्स शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक, सुनते जाना। शेयर होल्डर दो तरह के होंगे, एक प्रेफरेंस, दूसरा इक्विटी। एनीवन, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस क्यों बोलेंगे? व्हाई? Why preference is termed as preference shareholder? They have preference over equity. Dividend milta hai, even if lost. Badhiya. Preference shareholder na preferential right carry karte hai. Jab dividend baatenge na apan, to dividend baatte waqt पहले पैसा प्रेफरेंस को देंगे, अगर बच गया तो इक्विटी को।
सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? एनीवन जिसने अर्ली बर्ड वाला देखा हुआ सेशन वो मत बोलना, स्पॉइलर देने की जरूरत नहीं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स विच इज नॉट रिटेन्ड बाय द कंपनी. पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट रिटेन्ड बाय द कंपनी बट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल. द पार्ट ऑफ प्रॉफिट नॉट रिटेन्ड बाय द कंपनी बट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल. कैपिटल की हिस्सेदारी के हिसाब से एक प्रॉफिट के पार्ट को बांटना, जो प्रॉफिट कंपनी अपने पास ना रख के मेंबर्स के बीच में बांट देगी, उसे कहते हैं डिविडेंड. ठीक है, बच्चावाड़ी नोटबुक बना लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाई तो बना लेना. नोटबुक में एक बनाता हूं मैं डिक्शनरी, लॉ के अंदर भी ऑडिट के अंदर भी, उसे हम कहते हैं ग्लॉसरी. ठीक है, तो ग्लॉसरी में लिखते जाओ टर्म बोल रहा हूं. पहला टर्म लिखो डिविडेंड, टेक्निकल वर्ड्स हैं वो लॉ के डिक्शनरी रहेगी. ठीक, पहला लिखो डिविडेंड, लिखो डिविडेंड के आगे. द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, हाँ तीन पेज निकाल लो. हाँ हाँ, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज Not retained by the company. अरे हाँ हाँ नहीं लिखना, टेंशन मत लो. The part of profit which is not retained by the company but is distributed among the शेयर होल्डर्स इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल बट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल. ठीक, ठीक, बढ़िया. प्रॉफिट का वो पार्ट जो आप अपने पास ना रख के बल्कि मेंबर्स के बीच में बांट दोगे प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, उसे कहते हैं डिविडेंड. ठीक है बच्चावाड़ी, अगर डिविडेंड देंगे ना, पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को. अगर बच गया तो किसको मिलेगा? इक्विटी को. ठीक, किसी को पता है डिविडेंड कितने तरह के होते हैं? एनीवन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिविडेंड आर देयर? दो. कौन कौन से? अरे आगे हम पढ़ेंगे 123 में, सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूं. ठीक है, सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूं. ठीक है, आगे हम 123 में पढ़ेंगे. बोर्ड मीटिंग है, ठीक है, बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड प्रपोज हुआ, एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर हो गया. प्रपोज हुआ बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड के द्वारा डिक्लेयर किया एजीएम में, इसे कहते हैं फाइनल डिविडेंड. ठीक, बोर्ड मीटिंग में ही प्रपोज हुआ और बोर्ड मीटिंग में ही डिक्लेयर कर दिया, दिस इज इंटरिम डिविडेंड. अभी बताऊंगा बाद में क्या कॉपी करना है. ठीक है, अब इसे समझते हुए चल रहा हूं.
बोर्ड मीटिंग में ही प्रपोज हुआ और बोर्ड मीटिंग में ही डिक्लेयर हो गया इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। शॉर्ट शॉर्ट में चीजें बताना, देखो आज का सेशन है बिल्कुल बेसिक है, कुछ चीज आपको बताऊंगी तो आगे रिलेट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो भैया पहले किसको देंगे? पहले देंगे बच्चा पार्टी प्रेफरेंस को, प्रेफरेंस का पैसा बच गया तो किसको देंगे? पैसा देंगे इक्विटी को। अच्छा ये बताओ वाइंडिंग अप सुना है क्या? वाइंडिंग अप में सबसे पहले क्या होता है? कौन बताएगा बच्चों? वाइंडिंग अप में सबसे पहले क्या करते हैं? वाइंडिंग अप में सबसे पहले बेचते हैं एसेट्स। मान लो एसेट्स बेच दी 100 करोड़ की, अब क्या करेंगे बच्चे? जल्दी जल्दी बोलो भाई, अब करेंगे लायबिलिटी को पे ऑफ। मान लो लायबिलिटी थी 80 करोड़ की, कितना बच गया सरप्लस? सरप्लस बच गया 20 करोड़। इसका क्या होगा? दो लोग आ गए पैसा मांगने। भैया दो लोग आ गए पैसा मांगने के लिए, कौन कौन से? कह रहे हमें दे दो, हमें दे दो सारा पैसा, हमें दे दो। दो लोग पैसा मांग रहे हैं। यहां खड़ा है इक्विटी, यहां खड़ा है प्रेफरेंस। जल्दी बताओ पैसा किसको दोगे? जल्दी से बोलो बच्चों, सरप्लस पैसा दोगे प्रेफरेंस को, प्रेफरेंस को, प्रेफरेंस को ये पैसा देंगे। अगर बच गया तो किसको देंगे? एनी लेफ्ट ओवर इज पेड टू इक्विटी। मेरा क्वेश्चन ये है, प्रेफरेंस को पैसा क्यों देंगे? व्हाई एनीवन? क्यों दे रहे हैं प्रेफरेंस को पैसा? वाइंडिंग अप में पैसा क्यों बांट रहे हैं आप? नहीं मैं कह रहा हूं इक्विटी को भी पैसा क्यों बांट रहे आप? नहीं वापस क्यों कर रहे हैं ये पूछ रहा हूं, पैसा क्यों? एक बात बताओ, मैंने आप सबसे हजार हजार रुपए लिए, एक बिजनेस खड़ा किया, आप सब शेयर होल्डर हो। जिस दिन बिजनेस बंद होगा, अगर पैसा बच गया तो आपके पैसे से जो कंपनी बिजनेस कर रही थी, जब वाइंडिंग अप होगा ना तो कंपनी आपका पैसा आपको रिटर्न कर देगी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मेरा, ले ले भैया अपना पैसा, जाए यहां से, मुझे मुक्ति दे दे। इसे बोलते हैं बच्चा पार्टी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, समझ रहे हो? कंपनी चलते वक्त इन्होंने पैसा दिया था, आज बंद हो रही है तो ये रीपे कर देंगे, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट। बात आई समझ में? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना? चलिए तो कब कब प्रेफरेंस मिलेगी बच्चा पार्टी? दो केस है, पहले प्रेफरेंस कब मिलेगी? एट अ टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। दूसरा कब मिलेगा? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। समझ में आया रीपेमेंट ऑफ कैपिटल क्यों? जिनसे पैसा लिया था उनका ही पैसा उनको वापस कर रहे हैं, ठीक। चलिए अब मेरी बात सुनो सर, इक्विटी, इक्विटी शेयर की डेफिनेशन क्या है? इक्विटी, इक्विटी शेयर की डेफिनेशन है विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस नहीं है उसे क्या बोलोगे? इक्विटी। जो प्रेफरेंस नहीं है उसे क्या बोलेंगे? बोले ये तो पब्लिक प्राइवेट कंपनी होगी। बोले पब्लिक कंपनी क्या बोले जो प्राइवेट नहीं है? इक्विटी क्या बोले जो प्रेफरेंस नहीं है? ठीक है चलिए, शेयर होल्डर को ना और दो नाम से जानते हैं, एक तो ओनर, दूसरा मेंबर। हालांकि इन दोनों में फर्क है, वो डिस्कस करेंगे अपन डिटेल में भी, अभी नहीं थोड़ी देर बाद, बट जनरली मेंबर भी कहते हैं। मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, मुझे क्वेश्चन का आंसर देना। हर कंपनी में मिनिमम क्या जरूरी होते हैं? मिनिमम मेंबर जरूरी होते हैं या मिनिमम शेयर होल्डर? सोच के बताओ। लिखा होता है अगर ध्यान से आपने देखा कि ओपीसी में एक मेंबर होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में दो मेंबर होने चाहिए,
पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर होने चाहिए, कहीं भी यह लिखा है क्या कि मिनिमम शेयर होल्डर होने जरूरी है? नहीं। एक क्वेश्चन और, क्या हर कंपनी में शेयर कैपिटल होनी जरूरी है? यस और नो? शेयर कैपिटल मैंडेटरी है क्या? चलो पोल कराता हूं, कितने लोग कहते हैं मैंडेटरी है? यस। कितने लोग कहते हैं भैया मैंडेटरी नहीं है? फॉल्स। ठीक है ना, चलिए, शेयर कैपिटल मैंडेटरी है यस, मैंडेटरी नहीं है फॉल्स? जल्दी बताओ चवाड़ी, फटाफट से जल्दी जल्दी बोलो। अरे यहां तो कांटे की टक्कर चल रही है भाई। कभी सेक्शन 8 कंपनी सुनी है आपने? कभी 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 एनपीओ सुना है आपने? कभी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनी सुनी है आपने? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनी में कैपिटल कहां होती साहब? दे दो थोड़ी सी ग्रांट, थोड़ी सी डोनेशन, उससे चला लेंगे कंपनी। चल रही है डोनेशन से, मेंबरशिप फीस से, सब्सक्रिप्शन से, ग्रांट से, यहां पे कहां है कैपिटल? हर कंपनी में शेयर कैपिटल होनी जरूरी नहीं है। एवरी कंपनी नीड नॉट रिक्वायर टू हैव शेयर कैपिटल, नहीं है। कुछ कुछ चीजें आपको बोलता रहूंगा, कॉपी के हेडर में लिखते रहना, टॉप मार्जिन के ऊपर लिखो, एवरी कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव इट्स ओन शेयर कैपिटल, ऐसा लिखो, डिक्टेट कर रहा हूं, हेडर के ऊपर लिख दो, एवरी कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव इट्स ओन शेयर कैपिटल। ठीक, एवरी कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव इट्स ओन शेयर कैपिटल। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जिस कंपनी में कैपिटल ही नहीं है वहां शेयर होल्डर कैसे होंगे? शेयर की डेफिनेशन पढ़ी है कभी? शेयर मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जहां शेयर कैपिटल ही नहीं है वहां शेयर कैसे, और जहां शेयर ही नहीं है वहां शेयर होल्डर कैसे? हर कंपनी में शेयर होल्डर नहीं होते बच्चे, लेकिन हर कंपनी में मेंबर होने चाहिए। मेंबर जरूरी है, शेयर होल्डर नहीं। ठीक, अच्छा बताओ, मेंबर के पास 2 राइट है, कौन कौन से? पहला राइट है डिविडेंड का, दूसरा राइट है वोटिंग का। डिविडेंड तो पढ़ लिया अपन ने, ठीक, डिविडेंड तो पढ़ लिया, ठीक। अब आते हैं वोटिंग में। अच्छा, वोटिंग में पहले प्रेफरेंस, अब बात समझना, मिसप्रिंट था, इक्विटी ने बहुत झूठा खाया यार, जूता नहीं झूठा, इक्विटी बदला तो लेगा बेचारा, जब डिविडेंड बट रहा था प्रेफरेंस। अच्छा लाइन में खड़े जाओ, बैठ बैठ, इक्विटी चल रहे, जा लाइन में खड़े जा पीछे, बड़ा आया प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए मुझे, प्रेफरेंस सर 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 डिविडेंड सर डिविडेंड सर प्लीज सर डिविडेंड। इक्विटी कह रहा है यार मेरा जन्म ही क्यों है संसार में, वाइंडिंग अप हुआ लिक्विडेटर पैसा बांट रहा है, सर प्रेफरेंस सर गड्डिया दो इनको 6 इक्विटी। अरे तुम फिर आ रहे यार, जाओ रे पीछे बैठा उसको। एक बात बताओ, कोई इक्विटी शेयर क्यों लेगा जब प्रेफरेंस में इतने बेनिफिट है? बेटा प्रेफरेंस शेयर ना जनरली मिलते नहीं है, जितने भी शेयर आप देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज में लगभग सब इक्विटी है। प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए कंडीशंस होती हैं, सेक्शन 55 पढ़ेंगे आप। ऐसा नहीं सुबह उठे मन रहा है बोले यार, हाँ मुकेश भाई कह रहे, और अनिल क्या हाल है, सपना देखा कोई,
फुकरे मूवी चल रही है, बोले हाँ एक काम करो आज प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। प्रेफरेंस शेयर के लिए बहुत सारी कंडीशन है जो आपको माननी पड़ेगी, अगर वो कंडीशन नहीं मानते आप तो आप प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर रहे। जितने भी आपको शेयर देते हैं नॉर्मली वो सारे शेयर इक्विटी शेयर होते हैं। ठीक सर, इक्विटी बदला तो लेगा, पता है बदला कहां लेगा? वोटिंग में। इक्विटी शेयर होल्डर ना हर एक मैटर के लिए वोट कर सकता है, किसी भी जीएम में हर एक मैटर के लिए ही कैन वोट। मतलब कोई भी जीएम चल रही हो कंपनी, ही कैन वोट इक्विटी। प्रेफरेंस जनरली वोट नहीं कर सकता। ठीक, अब बात समझना थोड़ा ध्यान से। अब मैं क्लास में विभाजन कर रहा हूं दो पार्ट में, ठीक है, वो जरूरी है हमारे लिए। इक्विटी एक तरफ रख देते हैं, इक्विटी एक तरफ रख देते हैं, प्रेफरेंस। अब होगी वोटिंग। ठीक, आ जाओ भैया तैयार हो जाओ। जिनका नाम ए से के तक है वो इक्विटी है हमारी क्लास में, जिनका नाम एल से जेड तक है वो प्रेफरेंस है। ठीक, चलिए वोटिंग हो रही है स्टार्ट। मैटर नंबर वन, कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है, कंपनी वॉन्ट टू चेंज इट्स नेम। जितने लोग फेवर में हैं यस लिखें, जितने लोग अगेंस्ट में हैं नो लिखें। अभी पोल कराऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। अरे भैया प्रियांशु और पीयूष कहां घुस रहे हो तुम? क्या भैया? अरे 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 भैया, ए ओ तुषार, अरे क्या क्या, अरे ऋतिक, अरे अरे भैया संजनक, अरे अरे ये नहीं होगा भाई। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली दे कैन नॉट वोट। आपको पता है सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर ही वोट कर सकता है। इक्विटी गाना गा रहा था, इंतकाम लूंगा, इंतकाम का दिन आ गया। इक्विटी कह रहा है बहुत जलील किया तुमने मुझे, है? जब डिविडेंड बांट रहे थे लाइन के आखिरी में खड़ा कर दिया, अरे तू आखिरी में लग। जनरल मीटिंग में, जनरल मीटिंग जहां वोटिंग होगी, ठुकरा के मेरा प्यार, सही बात, वहां इक्विटी ही दमाद है भाई साहब। पता चला बाउंसर खड़े हुए हैं 5-7 गेट पे, इक्विटी। हाँ सर, सर प्लीज, सर 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 प्लीज सर, हैंड टॉस एक्स्ट्रा विनर सर, सर 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 कॉफी लैटे मोका कैपेचिनो सर प्लीज, प्रेफरेंस आ गया। अरे छोटो दरी में बैठा रहे हैं तो चाय बची कल की क्या? हाँ समोसा डाल दे ट्रे में इसके साथ। हाँ क्या हो गया? तो बड़े प्रेफरेंस कह रहा है वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात अजबात सब बदल गए भाई साहब। प्रेफरेंस कह रहा है क्या चल रहा है? पिछले दिनों डिविडेंड दिया तो बुला बुला के डिविडेंड दे रहे, आज जनरल मीटिंग में इक्विटी बैठा है वहां पे सोफे में कैपेचिनो पी रहा है, लैटे पी रहा है। इक्विटी कह रहा है मुझे भी लैटे। सिक्योरिटी गार्ड कर कितनी लाते चाहिए बता? अभी तुझे लाते दे रहा हूं, आ जाकर तू इधर आ, इधर आ, तू इधर आ। भाई साहब वोट ही नहीं कर सकता प्रेफरेंस। ठीक, अगला, कंपनी कह रही है हमारे पास पैसा आ गया, हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं जी। तो कहां शिफ्ट कर रहे हैं जी? बोले जी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं जी आपका लक्ष्मी नगर से कनॉट प्लेस सीपी, चलो बाहर ले चलते हैं दिल्ली से हैदराबाद। ऐसा बोल रहा तुम लोग, चलो हैदराबाद
सीपी में कहा? हाँ हाँ तुम्हारी सारी बिल्डिंगें है ना वहां सीपी में, देखो हैदराबाद। बोलो भैया रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, कितने लोग फेवर में है? जल्दी बोलो हैदराबाद जाने के, जल्दी बोलो भाई। बहुत बढ़िया। अरे तान्या चलो आप गेट से बाहर, चलो 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 रे, चलो रे तुम प्रेफरेंस लोग चलो यहां से। ए विजय, अरे ए चिंता वो छोड़ के आ रहे उसको गेट के बाहर। अरे कहाँ आ गए रे कहाँ? अरे युक्ति आप तो भैया, युक्ति तो क्लास क्या, इसका रोल नंबर एग्जाम में सबसे आखिरी में बैठाते होंगे इसको। वाई और जेड वालों की अलग कहानी है जीवन की। ठीक प्रेफरेंस वालों चलो समोसा खाने, सही बात है बासी समोसा। अब आपको पता है अगेन प्रेफरेंस कैन नॉट वोट, बड़ा अन्याय हो रहा है यार प्रेफरेंस के साथ, प्रेफरेंस के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अब तीसरा मैटर आ गया, ये मैटर सुनना जरा ध्यान से ठीक है। बोले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड है, बोले कितने परसेंट डिविडेंड है भाई? बोले डिविडेंड है 11%। ठीक एमडी कह रहा है एक काम करते हैं इसे कम करके रिड्यूस कर देते हैं 2% पे। प्रेफरेंस बैठे बासी समोसा खा रहे थे, क्या मैंने वही सुना जो तुमने सुना? बोले क्या? बोले डिविडेंड का रेट कम कर रहे हैं, 2% कर रहे हैं हमारा। प्रेफरेंस कह रहा है बस अब हो गई अति। प्रेफरेंस कह रहा है हम भी वोट करेंगे। वहां से 5-7 बाउंसर आए, कह रहे अरे तुमका, बोले अरे तू छोड़ अभी बहुत हो गया नाटक। आपको पता है इस मैटर के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन ऑल्सो वोट। जब जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के हक की बात होगी ही कैन ऑल्सो वोट, जनरली ही कैन नॉट वोट, जनरली ही कैन नॉट वोट, बट यहां पे प्रेफरेंस कैन ऑल्सो वोट, दोनों ही वोट कर सकते हैं। जनरली प्रेफरेंस कैन नॉट वोट, बट जब जब प्रेफरेंस का इंटरेस्ट अफेक्ट होगा ही कैन वोट, उसके हक की बात होगी ही कैन वोट। हमसे बढ़िया हालत तो प्रेफरेंस की है, कम से कम अपने हक की लड़ाई तो लड़ता है। हमसे पूछो घर में, हमारे ही लिए निर्णय लिए जा रहे हैं और हमें ही नहीं बैठाएगा, जाओ बेटे पढ़ाई करो। बेटा अभी तो शुरू हुआ है, वो एक दिन आएगा तुमसे बिना पूछे तुम्हारा ब्याह तय कर देंगे। बाबा अच्छा है बेटा, सही बता रहा हूं, कम से कम इसी बहाने ब्याह लग जाएगा तुम्हारा। खुद के भरोसे तुम तो कुछ होना नहीं, तुम्हें पता है कल पूरे पार्क में घुमाए तुम, क्या हुआ तुम्हारा? पूरा हफ्ता महीना सब निकल गया, क्या हुआ जीवन में? कुछ भी नहीं। वैसे भी सीए कर रहे, ऊपर से ऑनलाइन, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अब सोचो क्या कॉलेज वॉलेज कर रहे होते या ऑफलाइन कर रहे होते तो ठीक है, रोक रहे होते किसी के लिए सीट। चलो ये बात अलग है, लॉ में उसके लिए कोई और रोक रहा, ऑडिट में कोई और। बहुत बढ़िया, इतना सच नहीं बोलना था बस बेटे। मैं ना बड़ी डीप सिंपैथीज है आप लोग के लिए, इसीलिए मैं समझ सकता हूं आपके दुख दर्द, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पहला क्या है, ही कैन वोट, कब वोट कर सकता है बताना जरा। कह रहा है प्रेफरेंस कैन वोट, अरे वोटिंग का पॉइंट यहां आ गया, डिविडेंड का वहां आ गया। वही मैं बोला ये क्या चल रहा है, वही मैं बोला ये क्या हो गया लाला, डिविडेंड का सिद्धांत तुम्हारी हरकतें देख के तो लग नहीं रहा बेटे। वोटिंग इक्विटी शेयर होल्डर कैन ऑलवेज वोट, ठीक। प्रेफरेंस तभी वोट कर पाएगा जब उसका मैटर अफेक्ट होगा, समझ रहे हो? ये पॉइंट समझ रहे हो? अब ये बताओ एनी मैटर विच विल अफेक्ट इज इंटरेस्ट, एग्जांपल मैंने आपको दिया रिडक्शन इन द रेट ऑफ डिविडेंड,
रिडक्शन इन द रेट ऑफ डिविडेंड, अभी सब लिखवा दूंगा सर, समझ लो अभी, ठीक है। अगला पॉइंट, दो साल तक डिविडेंड नहीं दिया तुमने, कह रहे बेटा ऐ छड़ा बासी समोसे, कह रहा सुन नाटक हो गया बहुत, अभी दो साल हो गया डिविडेंड मिला नहीं और तुम्हें बासी समोसे खिलाएगा, इधर आ बासी समोसे इधर आ तू, पुरानी चाय कह रहा खिला दे, मेरे पैसे तुम्हारी एजीएम हो रही है, दो साल हो गया डिविडेंड नहीं मिला, घर वाली कह रही है कुछ दिला दो साड़ी वाड़ी, तुम्हारे चक्कर जीवन बर्बाद हो गया बेटा। अगर दो साल का डिविडेंड अनपेड है ना, दो साल का प्रेफरेंस कैन ऑलवेज वोट, हर मैटर के लिए हर जगह पे प्रेफरेंस कैन वोट, दो साल का डिविडेंड अनपेड है ही कैन ऑलवेज वोट। बच्चे सही बात है, पॉकेट मनी मिली नहीं रही घर वालों से और कह रहे जाओ बेटे पढ़ाई करो, हमने भी कहा अरे काहे की पढ़ाई, हम भी जम के बैठ गए नीचे, यही बात करो जो करनी है, बेटा सही मत कर दे रहे वरना इतने जूते पड़ेंगे ना दिमाग सी हो जाएगा आपका सारा का सारा। कह रहे डिविडेंड रिमेन्ड अनपेड फॉर टू ईयर्स, अब कमाल की बात पता है क्या, दो साल में कह रहे लगातार दो साल या कोई भी दो साल, कह रहे कोई भी दो साल, एग्रीगेट है एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब मान लो एक डिविडेंड बाकी था 16-17 का, ठीक है एक डिविडेंड बाकी था 19-20 का, वोट कर सकता है, कर सकता है कोई भी दो साल टोटल इन एग्रीगेट। कंपनी भी चलाक निकली, कह रहे इधर आ रही एक प्रिफर इधर आ, ले बेटा एक साल का डिविडेंड ले जा, जाऊं हाँ एक साल का दे दिया तो फिर नहीं कर पाएगा वोट, मतलब दो साल का अनपेड होना चाहिए तभी, हाँ जनरली ही कैन नॉट वोट, सिर्फ दो कैसे वोट करेगा और उसका मैटर्स के इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा तब, और अनपेड है दो साल तक तब, ठीक। चलिए आओ फटाफट से रैपिड फायर खेलते हैं, जल्दी जल्दी बोलना ठीक है, जल्दी जल्दी जो कंपनी को संभालेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, दो जू मैनेज अफेयर ऑफ द कंपनी, जिन्होंने पैसा लगाया उन्हें क्या बोलोगे, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कितने तरह के होते हैं, जिन्हें प्रेफरेंस मिलेगी उन्हें क्या बोलोगे, ठीक है प्रेफरेंस दो टाइम पे मिलती है, एक तो डिविडेंड दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, सही है बढ़िया है। एक बात और बताओ, डिविडेंड के केस में कौन सा शेयर होल्डर है, ठीक है वोटिंग के केस में जो हमेशा वोट कर सकता है, इक्विटी, कौन सा शेयर होल्डर है जो हमेशा वोट नहीं कर पाएगा, प्रेफरेंस दो कैसे वोट कर सकता है, पहला केस फर्स्ट उसका राइट अफेक्ट होगा तब, इंटरेस्ट अफेक्ट होगा तब, सेकंड बताओ अगर डिविडेंड अनपेड है कितने साल का, डिविडेंड अनपेड है कितने साल का, दो साल का। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, ये वोटिंग कहां पे होगी, ये वोटिंग कहां होती है, वोटिंग की बात करेंगे थोड़ा, कह रहा है वोटिंग होती है जीएम में, जीएम जनरल मीटिंग जीएम, ठीक। अच्छा ये बताओ कंपनी में कितने तरह की मीटिंग होती है, टोटल तीन, एक होती है जनरल मीटिंग, एक होती है बोर्ड मीटिंग, एक को हम कहते हैं अदर मीटिंग, बात करते हैं थोड़ी थोड़ी सब पे, ठीक है। जनरल मीटिंग ना सबको बुलाओगे,
सब आएंगे, लेकिन लेकिन वोट वोट करेगा सिर्फ मेंबर। मतलब जीएम में सबको बुलाएंगे, हाँ सबको, मतलब पागलों को, पागल हमारी बात कर, अरे नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पागल की मतलब मैड, मैड मतलब मैड लो, मतलब मेंबर को बुलाएंगे, हाँ ऑडिटर को बुलाएंगे, हाँ डायरेक्टर को बुलाएंगे, हाँ अगर मेंबर मर गया तो एलआर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया ना, इंसॉल्वेंट, तो ऑफिशियल रिसीवर को। ओके मैडलो, एम से मेंबर, ऑडिटर, डायरेक्टर, एलआर, ऑफिशियल, सबको बुलाओ, सब आएंगे, भंडारा चल रहा है भाई, नाम ही है जनरल मीटिंग। ऐसा नहीं होता घर वालों को प्रेम नहीं अपने बालक से, बोले छोटो इंडिया में मान लो 1.5-2 करोड़ छोटू तो होंगे और 10-15 लाख अंकित, छत से खड़े चला अंकित, पत्थर मारना शुरू करो, पत्थर खत्म हो जाएंगे भाई साहब, नाम ही ऐसा है। बोले ये भी ठीक है, अब बच्चा बाटी जनरल मीटिंग, अब जनरल मीटिंग की कहानी ये है जी कि जनरल मीटिंग में, जनरल मीटिंग में इन पांचों को बुलाओगे, पांचों आएंगे, लेकिन आपको पता है वोट सिर्फ कौन करेगा? अंकित भाई थैंक यू, आपने बताया, आप नहीं बताते पता ही नहीं लगता मुझे कि मेरा नाम भी अंकित है, बहुत बढ़िया। वोट करेगा सिर्फ मेंबर। हाँ सर हम समझ गए, सबको बुलाते हैं, सब जाते हैं शादी में, लेकिन शादी सबकी थोड़ी होती, क्या एग्जाम्पल है, शादी दूल्हा दुल्हन की, सबको बुलाते हैं सब जाते, लेकिन वोट करता सिर्फ मेंबर। तो डायरेक्टर वोट नहीं कर सकता, अगर मेंबर हुआ तो कर सकता है इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर, ठीक। ऑडिटर, ऑडिटर वोट नहीं कर सकता, ठीक है। बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में बुलाते हैं डायरेक्टर को, सिर्फ डायरेक्टर को, और वोट भी सिर्फ डायरेक्टर ही करता है, सबको नहीं बुलाते, भंडारा नहीं चल रहा है यहां पे। एक्सजी मतलब होता है सुनील, अगर बहुत दुख हो जीवन में और इस दुख को आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो एक्सजी लिख दो, ये सरकास्टिक नहीं लिखते हैं। जैसे मान लो कल वो कहीं से खबर आई कि भाई कोई नहीं रहा, तो उसमें क्या होता है 11 बार एक्सजी लिखते हैं, सामने एकदम जितना मतलब उसको ले, यू आर हाईली 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 इन शॉक, बहुत सदमे में हैं आप, ऐसा करके, ठीक। सबके लिए अलग अलग एक्सजी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो 7 बार एक्सजी कर दो, ब्रेकअप हुआ 3 बार एक्सजी करो, उसके बाद मुझसे बात मत करना जो भी आफ्टर इम्पैक्ट होगा, ठीक है। चलिए बोर्ड मीटिंग में सबको बुलाओगे, नहीं बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर को बुलाओगे, डायरेक्टर वोट करेगा, ठीक। जीएम में मेडलो को बुलाओ, मेडलो वोट करेगा, मेडलो को बुलाओ, मेडलो आएंगे लेकिन वोट करेगा सिर्फ मेंबर। सर ये अदर मीटिंग क्या होती है? अदर मीटिंग, ठीक है, सरकास्टिकली है ज्योति, सरकास्टिकली समझा लो। अदर मीटिंग में आगे आप पढ़ेंगे डिवेंचर होल्डर की भी मीटिंग होती है। अब साहब डिवेंचर होल्डर की मीटिंग करवा रहे आप, तो डिवेंचर होल्डर मेंबर तो है नहीं, डिवेंचर होल्डर डायरेक्टर है, तो डिवेंचर होल्डर की मीटिंग यहां पे होगी, अदर मीटिंग बोलते हैं, अदर मीटिंग, ठीक। तो डिवेंचर होल्डर की मीटिंग होती है 71 के अंदर, डिपॉजिटर की मीटिंग होती है 73 के अंदर, डिपॉजिटर एक टर्म होता है वो भी फाइनल में आप पढ़ेंगे, जब वाइंडिंग अप होता है, वाइंडिंग अप, तो क्रेडिटर की मीटिंग होती है, तो क्रेडिटर की मीटिंग हो गई, डिवेंचर होल्डर की मीटिंग हो गई, डिपॉजिटर की मीटिंग हो गई, सारी मीटिंग कहां पे आएंगी? अदर मीटिंग्स में। 3 तरह की मीटिंग होती है, सब लिखवाऊंगा, पहले सुन लो शांति से, है ना, जीएम, बोर्ड मीटिंग, अदर मीटिंग, ठीक। जीएम 2 तरह की है बच्चे, एक जीएम होती है एजीएम, एक होती है ईजीएम,
एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीएम, आपके स्कूल में कभी एनुअल फंक्शन हुआ है? बोलो ना हुआ है, बोलो ना हुआ है। हर साल होता है ना, हर साल, हर साल, हर साल रिचुअल था, रिचुअल। आपको पता है हर कंपनी को मैंडेटरी है हर साल एजीएम करवाना, हर कंपनी को हर साल एजीएम करवाना मैंडेटरी है, एक्सेप्ट ओपीसी। अकेला आ रहा है, अकेले चेयर लगा रहा है, अकेले रिजोल्यूशन पास कर रहा है। बताना बताना, अपॉइंट कर रहे हैं, डिविडेंड निकल रहे थे, हाँ कर दो भैया, क्या दिक्कत है? मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया क्या उसे? अपरिचित देख कर आया वो। ओपीसी को एजीएम नहीं करवानी होती, बाकी हर कंपनी के लिए मैंडेटरी एजीएम। तो सर एजीएम में होगा क्या? नाच गाना खाना पीना है, वो तो होता ही है, और भी चीजें होती है। आपको एजीएम की तस्वीर दिखाता हूं, रुक जाओ, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। जियो की एजीएम हुई थी, जियो की, रिलायंस की, जब जियो लॉन्च हुआ था, ऐसे तो हर बार की होती है, लेकिन जियो के लॉन्च के टाइम का देखो, एकदम बढ़िया। आप तो गए होंगे, हाँ हाँ हाँ, अपनी एक बोर्ड को लगा देता हूं पढ़ाने के लिए। ये देखो, जब धीरू भाई अंबानी जिंदा थे तो स्टेडियम में एजीएम हुआ करती थी, स्टेडियम में, ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में। मुकेश भाई थोड़े नाराज लग रहे हैं, बात अलग है, थोड़े गुस्से में लग रहे। ये जियो जब लॉन्च हो रहा तब की है, जैसे जियो लॉन्च हुआ बोले एयरटेल और इसका प्राइस देखो आप आइडिया का, कह रहे तुम कुछ भी करो हमारी फोटो जरूर लगाओ। पुत्र बैठे हैं, स्टेज देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है एजीएम, ऐसा लग रहा है तो नहीं कोई इवेंट चल रहा है जैसे। ये भाई साहब नाचने आ गए, तब काम नहीं था ना भाई साहब के पास, वही क्या दो तीन मूवी बड़ी हिट हो गई है, बढ़िया। जवान गए थे पठान देखने, चलिए बेचारे डंकी देख कर आ गए, और भी बहुत नाच गाना चल रहा है, आपके मतलब की सारी चीजें। बच्चे कह रहे अब हम यही काम करेंगे, बस हर कंपनी के एक एक शेयर खरीदेंगे और खाना पीना एकदम फ्री, आराम से जाके नाच गाना देखेंगे, काया कंसर्ट का पैसा लें, टिकट खरीदे, खाओ पियो आराम से। कह रहे वीडियो तो दिखाओ, हाँ हाँ ये काम करता हूँ, ये सब बंद कर देता हूँ, वीडियो लगाते आराम से बैठे पंचायत देखते। ठीक, अब देखो हर कंपनी को एजीएम करवानी है। सतीश विद रिस्पेक्ट टू, बेटा सतीश हम आगे बढ़ गए बेटा, तीन स्टेशन क्रॉस कर दिए बेटा, तुम तीन स्टेशन पहले ही पड़े हो WRT में। अब देखो वो मान भी नहीं रहा है, कह रहा है आज ही पूरा सब्सक्रिप्शन वसूल करूंगा, एक्सेप्ट ओपीसी। ठीक है साहब, सर एजीएम में होगा क्या? चलो नाच गाना खाना पीना अपनी जगह, लेकिन होगा क्या? चार मैटर ऐसे हैं, जितने मटक रहे ना अगली बर्ड वाले, तो मैं उतारता हूं कल से, रुक जाओ तुम, चार रुक जाओ, बस कल तक रुक जाओ, बताता हूं मैं। चार मैटर ऐसे हैं जो हर साल हर एजीएम में डिस्कस होंगे। शॉर्ट में कहता हूं अड्डा, बाबा ये क्या शॉर्ट फॉर्म बना रखे बाबा, कभी कह रहे पागलो, कभी कह रहे अड्डा, मतलब हर साल ये चार मैटर डिस्कस होंगे ही होंगे।
हर एजीएम में, हाँ जी हर एजीएम में कौन कौन से, पहला अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट। एक बात बताओ, पैसा इनका लगा है कंपनी में, पैसा ये दे रहे हैं, फाइनेंशियल ये बनाएंगे साहब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने पड़ेंगे ना। कंपनी की साल भर की क्या परफॉर्मेंस है, कितना पैसा आया, कितना गया, क्या कमाया, क्या खोया, उसका उसका एक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना पड़ेगा ना। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करवानी पड़ेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बना है कि नहीं बना तो चेक तो करेगा ना यार शेयर होल्डर। तो एजीएम में ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, ये अप्रूव करेंगे ना तभी फाइनेंशियल फाइनल होंगे, बिना अप्रूवल के बात नहीं बनती, ध्यान रखना। अप्रूवल इज मैंडेटरी, इनका 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 अप्रूवल देना जरूरी है। ठीक, एक मिनट देना, रिफ्रेश कर रहा हूं, कुछ ग्लिच। ठीक, अब देखिए इसे शॉर्ट में हम कहते हैं फैब थ्री, क्रिकेट देखने वाले जानते होंगे फैब फोर, क्या ही चल रहा है फैब एप तो छोड़ दो, सब मैच पे मैच निपट रहे हैं, बात अलग है। फैब थ्री मतलब स्मिथ, केन विलियमसन, कोहली और रूट, चलो खैर वो तो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये हर साल हर एजीएम में प्रेजेंट करवाएंगे आप। ठीक, हाँ हाँ, क्या क्लास चालू करने से पहले 3 विकेट गिरवा के आया था मैं। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, हर साल हर एजीएम में। अरे रुक जाओ ना ज्योति, आज रुक जाओ साहब, इनको मैं ठीक करूंगा कल से, जिसने दिखना है ना मुझे 5-7-10 नाम, इनको कल से इनकी पूछ पकड़ता हूं, रुक जाओ मैं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक, हर साल हर एजीएम में। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, हर साल हर एजीएम में। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, अभी रफ में लिख रहा हूं, ठीक है, हर साल हर एजीएम में। और ऑडिटर की रेमुनरेशन फिक्स करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल हर साल हर एजीएम में, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हर साल हर एजीएम में, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना हर साल हर एजीएम में, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना हर साल हर एजीएम में। अड्डा, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ये चार ना हर साल हर एजीएम में होंगे। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, अंकित, रिटायरमेंट होता है डायरेक्टर्स का, मैंडेटरी, रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं, उनका रिटायरमेंट होता है, जब रिटायरमेंट होगा तो फिर ये अपॉइंट करते हैं, या धोनी को कर लो, किसी और को कर लो, उसकी जगह। हर साल हर एजीएम में होगा ही होगा डिस्कशन, इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। बिजनेस मतलब व्यापार नहीं है यहां पे, बिजनेस मतलब है एजेंडा। चार मैटर ऐसे हैं जो हर साल हर 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 जीएम में डिस्कस होंगे ही होंगे, इट इज मैंडेटरी, इसे बोलेंगे ऑर्डिनरी बिजनेस। आप मुझे एक बात बताओ, कंपनी का नाम चेंज कर रहे हो, क्या हर कंपनी अपना नाम चेंज हर साल करेगी क्या? क्या हर साल कंपनी बायबैक करेगी अपने शेयर्स का? क्या हर साल कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करेगी क्या? इन चारों के अलावा ना बच्चे, हर मैटर जो है वो स्पेशल बिजनेस कहलाएगा। सिर्फ ये चार मैटर ऑर्डिनरी दिमाग में छाप लो, अड्डा इज ऑर्डिनरी, बाकी सब स्पेशल, जितने भी मैटर है इसके अलावा वो स्पेशल बिजनेस है।
बाकी सब छोड़ो, अगर डायरेक्टर का रिमूवल करना है ना आपने, अपॉइंटमेंट तो ऑर्डिनरी है लेकिन रिमूवल भी स्पेशल बिजनेस है। इन चारों के अलावा हर एक मैटर स्पेशल है। ठीक, एक बार जरा सामने पढ़ो क्या लिखा है। ऑर्डिनरी बिजनेस में चार चीजें आएंगी, चार चीजें कौन कौन सी? फाइनेंशियल, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट अप्रूव कराना, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना, ऑडिटर की रेमुनरेशन फिक्स करना, उसे अपॉइंट करना। इन चारों के अलावा हर एक बिजनेस को क्या मानेंगे? अदर देन ऑर्डिनरी एवरी बिजनेस इज कंसिडर्ड स्पेशल। ठीक, अब सुनिए, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, जल्दी से बताना मुझे। रिजा कह रहे हैं नवंबर का टाइम आज मार्च में ही दे दूंगा मैं। बोर्ड एजीएम में डिस्कशन करना चाहता है, आपसे पूछ रहा है आप क्लासिफाई करिए कौन सा बिजनेस ऑर्डिनरी है और कौन सा स्पेशल है। पहला एक एक करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करना, P&L बैलेंस शीट ऑर्डिनरी या स्पेशल? जल्दी बोलो। ऑर्डिनरी बिजनेस। डिविडेंड डिक्लेयर करना ऑर्डिनरी। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट ऑर्डिनरी। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट ऑर्डिनरी। रेमुनरेशन फिक्स करना ऑर्डिनरी। अंडरटेकिंग बेचना स्पेशल। सब्सिडरी कंपनी फ्लोट करना स्पेशल। समझ आ रही बात? पॉइंट हो रहा है कि ऑर्डिनरी क्या है, स्पेशल क्या है। अब एक बात बताओ, ऑर्डिनरी बिजनेस मैंडेटरी है मेरे बच्चे एजीएम के लिए? हर एजीएम में ये तो मैंडेटरी है ही, लेकिन अगर नाम चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए भी डिस्कशन हो सकता है एजीएम में। इतना पैसा खर्च कर रहे हो, एजीएम करवा रहे हो, खाना पीना ये वो अगड़म झगड़म, तो ऑर्डिनरी स्पेशल दोनों कर सकते हो। ठीक बेटा, अभी ना बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, शत्रुघ्न धन। ठीक है, आपके धन तो शत्रु करा दिया, धन तो शत्रुता हो गई, धन कहां से आएगा? देखो, ऑर्डिनरी स्पेशल, लेकिन एक बात बताओ, साल में ना सिर्फ एक एजीएम होती है, सिर्फ एक, एक साल में सिर्फ एक एजीएम होगी, सिर्फ एक, पूरे कैलेंडर ईयर में सिर्फ एक एजीएम। इस साल की एजीएम हो चुकी, अगले साल की एजीएम अगले साल अपने समय से होगी, इस साल की एजीएम हो चुकी अगले साल की एजीएम अगले साल अपने समय से होगी। आपको पता चलता है एमडी फ्रॉड कर रहा है, हटाना है उसको। क्या अगले साल तक वेट करोगे क्या?
सर अगले साल की एजीएम का वेट करेंगे आप, बर्बाद हो जाएगी कंपनी, खा जाएगा तब तक। तो अगर एजीएम हो चुकी है, अर्जेंट मैटर पास करना है तो ईजीएम बुलाइए। साल में कितनी भी ईजीएम करवाओ कोई लिमिट ही नहीं है साहब, कोई लिमिट नहीं है ईजीएम पे। एजीएम पे जरूर एक की लिमिट है, ईजीएम पे कोई लिमिट नहीं है। अब एक बात समझिए, ऑर्डिनरी तो यहां के लिए मैंडेटरी है कि यही होगा और कहीं नहीं होगा, तो यहां सिर्फ क्या डिस्कस होगा, स्पेशल बिजनेस। गुरलीन पहली एजीएम साल खत्म होने के 9 महीने के अंदर, सब्सिक्वेंट साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर, सेक्शन 96। अभी उसमें मत घुसो, सब समय से आने दो हर चीज को, ठीक। स्पेशल बिजनेस, यहां सिर्फ स्पेशल। डायरेक्टर को हटाना क्या है, ऑर्डिनरी है या स्पेशल है? स्पेशल है, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, चंगा, डन। एजीएम ईजीएम, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। बच्चा पार्टी वोटिंग होगी तो रिजोल्यूशन भी पास होगा, रिजोल्यूशन मींस। अब आपने बोला सर कि भैया नाम चेंज करना है, ठीक, रिजोल्यूशन पास करना है। रिजोल्यूशन मतलब होता है हिंदी में प्रस्ताव, मैटर को पास करना है, प्रस्ताव को पारित करना है, ठीक है। मतलब मेंबर एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे, वोटिंग करवाइए। रिजोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। ये आखिरी डिस्कशन कर रहा हूं आज का, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। ऑर्डिनरी और स्पेशल, जितने वोट अगेंस्ट में है ना, एक वोट ज्यादा चाहिए फेवर में। अगर 400 वोट अगेंस्ट में है, 401 फेवर में हो गए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। स्पेशल बहुत मुश्किल है सर, जितने वोट अगेंस्ट में हैं, 3 गुना वोट चाहिए, 3 गुना वोट फेवर में एसआर पास करने के लिए। अगर 400 वोट अगेंस्ट में है तो 3 गुना कितना हो गया, 1200 वोट फेवर में चाहिए एसआर पास करने के लिए, 1200। समझ गए, ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव कौन सा है, ऑर्डिनरी या स्पेशल? स्पेशल बहुत मुश्किल है सर। अब आप बोलोगे सर कब कौन सा पास करें, यही तो पढ़ना है 3 महीने, कभी वेक में। नॉर्मली अगर मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज करते हैं ना कभी भी, तो मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज करने के लिए ये पास करना पड़ता है। नॉर्मल मैटर्स के लिए ये ऐसा हार्डकोर रिजोल्यूशन, ऐसा हार्डकोर नहीं है शानू, नॉर्मल मैटर के लिए ऑर्डिनरी, स्पेशल मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज करना है उन सबके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन, वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब मुझे फटाफट से एक बात बताओ, जल्दी जल्दी बताना, ठीक है। पांच वोट अगेंस्ट में है, ठीक, 20 फेवर में, रेजोल्यूशन पास होगा? 5 अगेंस्ट में 20 फेवर में, 5 अगेंस्ट में कितने चाहिए फेवर में? फेवर में चाहिए 15, है कितने? 20, एसआर पास होगा। 2 अगेंस्ट में कितने चाहिए फेवर, जल्दी जल्दी बोलो, 2 अगेंस्ट में फेवर में कितने चाहिए? 6, फेवर में कितने हैं? 10, क्या पास करेंगे? एसआर पास होगा, बिल्कुल होगा। 4 अगेंस्ट में कितने चाहिए फेवर में? 12, है कितने फेवर में?
20 ऐसा पास होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, ये है टाइप ऑफ रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी और स्पेशल। बहुत कुछ हमने डिस्कस कर लिया बच्चा बड़ी, बहुत कुछ। ठीक है, ये सब क्या है, बेसिक्स है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आप ये समझिए, जो मैंने आपको ये पढ़ाया है 114 है सेक्शन, जो मैंने ईजीएम थोड़ा बहुत आपको बताया सेक्शन 100 है, सेक्शन 90 है, सब कुछ निकल कंपनी से ही है, लेकिन क्या है थोड़ा सा समझा दिए कि बेसिक्स है, अब समेटना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, एक बार थोड़ा इसको समेटते हैं, उसके बाद मैं डाउट वगैरह आपके 10 मिनट पूरा लूंगा बैठ के, 10-15 मिनट की जो भी आपके डाउट्स हैं बुक वो ये सब, पहले इसको एक बार समेट लेते हैं, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। अब समेटना इन द सेंस को नोट करते हैं, फर्स्ट क्लास है, मेरे साथ नोट करिए, ज्यादातर केस में मैं आपको साथ नोट करने के लिए नहीं बोलूंगा, जहां बोलूंगा वहां मेरे साथ नोट करना। ठीक है, जिसने नोट कर लिया वो एक बार रिवाइज कर लो साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडेक्स के अंदर इसे पहली यूनिट बना देना फंडामेंटल्स की, इंडेक्स के अंदर इसे फर्स्ट यूनिट आप बना देना फंडामेंटल्स की। ठीक, चलिए सबसे पहले बताओ जल्दी जल्दी, मेरे साथ नोट करना। ठीक है, आप रिवाइज कर सकते हैं, टाइप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व, कितने तरह के पर्सन इन्वॉल्व है कंपनी में, कौन कौन से, एक हो जाएगा डायरेक्टर, एक हो जाएगा शेयर होल्डर, डायरेक्टर का काम क्या है, हु विल मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी, ठीक, who hold shares of the company, second बताओ, preference shareholder को preference shareholder या ऐसे कह सकते हैं types of shares, दो तरह के शेयर हैं ये, पहला इक्विटी दूसरा प्रेफरेंस। प्रेफरेंस को प्रेफरेंस क्यों बोलेंगे, इट विल गेट प्रेफरेंस, कब मिलेगी प्रेफरेंस, एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक। दूसरा इक्विटी का मतलब क्या है बच्चे, विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर। अब आप ये समझिए सेक्शन 43 में दिया हुआ है, which is not preference share, ठीक है। इसके बाद वोटिंग की बात हम करते हैं, तो राइट टू वोट, कौन सा शेयर होल्डर हमेशा वोट कर सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर कैन ऑलवेज वोट विद रिस्पेक्ट टू ईच मैटर, ईच एंड एवरी मैटर एट एवरी जीएम, ठीक। जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन नॉट वोट, कैन नॉट वोट, however he can vote, कब, if any matter
affects his interest. Second, his dividend is unpaid. For 2 years. Lagatar ya aggregate? ठीक लिख लिया बच्चे. अच्छा एक एग्जांपल दो, एनी मैटर अफेक्ट इज इंटरेस्ट का एग्जांपल. वो अभी वीकेंड में कराऊंगा सचिन, ऑडिट का बैच खत्म हो रहा है उसके बाद ना एक दो वीकेंड के बाद करवा दूंगा, एक दो क्लास है वो बस. ठीक लिख लिया सबने? अरे डब्ल्यू आर टी मतलब विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू. ठीक अरे एमडी जो होता है ना, बताता हूं एक मिनट पहले ही लिखवा देता हूँ फिर नंदनी से बताता हूँ वरना क्या डिस्कशन डाइवर्ट हो जाएगा. ये सबने लिख लिया? फोर्थ, टाइप्स ऑफ मीटिंग. कितने तरह की मीटिंग है बच्चे? पहला हो गया एजीएम, चलो पहले वो वाले लिख देते हैं जीएम वाले. ठीक है जीएम, जीएम में किसको नोटिस देंगे? नोटिस टू 5 लोग, मेडलो, मेंबर ऑडिटर डायरेक्टर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल रिसीवर. अच्छा अटेंड कौन करेगा? अटेंड में ये लोग करेंगे. वोट कौन करेगा जीएम में? ओनली मेंबर कैन वोट. बोर्ड मीटिंग में किसको बुलाओ? ओनली डायरेक्टर एंड ओनली ही कैन वोट. अदर मीटिंग तो अदर अलग अलग होती रहती है. मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स डिवेंचर होल्डर, डिपॉजिटर, ये सब. अच्छा बताओ टाइप्स ऑफ जीएम. एक हो गया एजीएम, दूसरा हो गया ईजीएम. एजीएम में एवरी कंपनी इज बाउंड टू कन्वीन एन एजीएम एवरी ईयर. एक कंपनी एग्जेम्प्टेड है, एक्सेप्ट ओपीसी.
कौन से मैटर डिस्कस होंगे? ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेस विल बी डिस्कस्ड। ईजीएम में क्या डिस्कस होगा? कंपनी कैन कॉल ईजीएम व्हेन इट डीम्स फिट। ओनली स्पेशल बिजनेस। सब आगे पढ़ेंगे अभी तो खैर ठीक है, क्या कि बेसिक चीजें थोड़ी पता रहेंगी तो आगे तो मैं चीजें बोलूंगा एजीएम ईजीएम हो और ऐसा आपको पता रहेगा। बधाई हो तुषार, सब ऑफलाइन वाले हो। एजीएम के स्पेशल बिजनेस और ईजीएम के स्पेशल बिजनेस में क्या फर्क है? बेटा स्पेशल बिजनेस इज अ मैटर, वो अगर एजीएम हो चुके तो एजीएम में पास कर दो, अगर एजीएम होने वाले तो एजीएम में पास कर दो। नहीं नहीं पीपीटी ईपीटी कुछ नोट नहीं करना भैया, मैं जितना आपको बता रहा उतना ही ठीक है। अब अगला लिखो आप, दो चीजें बची हैं। पहला लिखो ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस, पॉइंट नंबर 6, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। या लिख लेना, मैं बता देता हूं आपको देखो कैसे लिखना है, सुनो मेरी बात। ये एक, ये दो, इसके बाद ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। दो मैंने आपको लिखवा दिया, यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन नोट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। अब मेरे को ना 10 मिनट आपसे बात करनी है, मेरे को थोड़ा सा गाइड करना है आपको, ठीक है, 10-15 मिनट, इसलिए मैं रुक गया हूं, ठीक है। ये आप थर्ड और फोर्थ आराम से डाउनलोड करके यू कैन नोट, ठीक है, सिंप्लीफाइड लिखा हुआ है। बच्चावाड़ी 5-7 चीजें क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। हां जी, सबसे पहली बात, 300-350 पेज की नोटबुक बना लो, कंपनी लॉ में इतना लग जाएगा, अदर लॉ में 100-150 पेज, ठीक है, बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए 5-7 मिनट, ठीक है। आज तो पहली क्लास थी, मैंने आपको पूरा समझा दिया, बाद में नोट कराया। जब मैं समझा रहा हूं ना तब नोटिंग मत करिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मेरी एक चीज मानना है कि जब मैं समझा रहा हूं आप समझ रहे हैं तो माइंड जो है ना एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। जैसे आप मल्टीटास्किंग करने लगते हैं तो माइंड जो है वो बढ़ जाता है कॉन्सेंट्रेशन, वो 100% अटेंशन नहीं मिलती, ठीक। क्लास के बाद आपको क्या करना है, रिवाइज द कंटेंट। जैसे आपने फाइल डाउनलोड कर ली, ठीक है, चलो आज तो फर्स्ट था तो मैंने साथ में नोट करा दिया, ये फाइल डाउनलोड, जो भी फाइल है डाउनलोड कर ली, नोट्स मैंने डाउनलोड कर लिए, ठीक है। मान लो लैपटॉप से पढ़ रहे हो, मान लो फोन से पढ़ रहे हो, फोन में डाउनलोड कर लिया, आराम से पूरा एक बार पढ़ लिया, रीड कर लिया, ठीक है, रीड लैपटॉप या फोन से कर लिया, उसके बाद अपने नोट्स बनाया आपने, उसके बाद नोट्स बनाने के बाद फिर नोट से पढ़ लिया। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं 80+ लाने का, जो आपको करना है, मेरे ये सब मेरा काम है, ये काम मेरा है ये, और ये काम आपका है, RWR, जस्ट रीड बाय योर फोन और लैपटॉप, देन राइट प्रिपेयर योर नोट्स, देन अगेन रीड बाय योर नोटबुक। पहले फोन और लैपटॉप से पढ़ना है, फिर नोट्स बनाने, फिर नोट से पढ़ना है। देखो बेटा एक बात समझा रहा हूं, फाउंडेशन मैं ही नहीं बोलूंगा, चीजें टफ हैं। इंटरमीडिएट में सिर्फ एक बात ध्यान रखना, यहां चीजें लेंदी हैं, यहां क्लासेस 2-2 घंटे की होंगी, यहां कंटेंट कराया जाएगा, कंटेंट उतनी स्पीड से निकलेगा भी, आप समझ रहे हो,
कभी एक हफ्ते क्लास नहीं कर पाए, इतना कंटेंट निकल जाएगा बैकलॉग में ही पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। इसीलिए मतलब आपको चीजें सही बता रहा हूं त्यागनी पड़ेंगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बहुत जगहों पे, बहुत जगह ठीक है तबीयत खराब भी तो क्या कर सकते हैं। अन अकेडमी में एक अच्छा भाई ये फीचर है कि आप आराम से रिकॉर्ड करो, कितनी बार भी करो कोई दिक्कत नहीं। क्लास के दौरान जब मैं बोलूंगा तब नोट करना, जब मैं मना करता हूं कि मैं ये बोलूंगा अभी नोट नहीं करना तो मत करना नोट, जब मैं स्पेसिफिकली बोलूं कि मेरे साथ नोट करिए तो ही करें। जैसे मान लो पूरा कंसेप्ट समझा लिया फिर नोटिंग ही करनी, तो मैं बोल दूंगा करो मेरे साथ, अदरवाइज साथ में नोटिंग नहीं करनी। नई ड्राइव बनाएंगे साक्षी, इसमें नई ड्राइव, न्यू ड्राइव, ठीक है। तो अब मेरी बात समझिए, जहां तक बात है बुक्स की, हमने क्या किया बच्चे, बड़ा सिंपल है, हमारी है मेन बुक, ठीक, उसके हैं तीन वॉल्यूम, ठीक, हमारी है केस स्टडी बूस्टर। केस स्टडी बूस्टर जो है ना, इसमें आज तक के सारे आरटीपी, सारे एमटीपी, सारे पीवाईक्यू सॉल्व आंसर्स के साथ, सॉल्व केस स्टडीज आईसीआई की सारी हैं। और ये है एमसीक्यू बूस्टर, आज तक के इंस्टीट्यूट के सारे एमसीक्यू, क्या सैंपल एमसीक्यू, क्या आरटीपी, क्या एमटीपी, सारे इसमें, इंस्टीट्यूट के सारी केस स्टडी, इंस्टीट्यूट के सारे एमसीक्यू, क्योंकि हमने काम नहीं मुकाना है यार कि हमने चैप्टर के आखिर में 10-15-20 एमसीक्यू डाल दिया, उससे कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब मैं आपसे टेस्ट लूंगा ना, तो मेरे एक एक चैप्टर में 80-80 एमसीक्यू है, जो मेरे एमसीक्यू बनाए हुए हैं 17 एमसीक्यू बनाए मैंने आपके सिलेबस के लिए, इसके टेस्ट होंगे आपके 17 एमसीक्यू टेस्ट देंगे हम, ठीक है। तो ये तो इंस्टीट्यूट वाले एमसीक्यू है, ठीक है, इनका कॉम्बो है प्लस ऑडिट की भी सेम कहानी है। वहां मेन बुक दो वॉल्यूम है, वहां मैं कहता हूं बूस्टर नंबर 56 और बूस्टर नंबर 44 में क्या है, 30 नंबर का तो एमसीक्यू आता है, 14 नंबर का ऑडिट में करेक्ट इनकरेक्ट आता है। तो हमने बूस्टर नंबर 44 बोला है, उसमें सारे एमसीक्यू, सारे करेक्ट इनकरेक्ट और केस स्टडी सारी है, इसका भी कॉम्बो और इन दोनों का भी कॉम्बो आपको मिल जाएगा। मैं एक चीज बोलता हूं, आइकॉनिक वालों को ये मिलेगी, ये मेन बुक मिलेगी आपको, बूस्टर नहीं मिलेगा आइकॉनिक में, बूस्टर आपको ऑर्डर प्लेस करना ही पड़ेगा। मैं एक चीज आपको बोलता हूं, ठीक है, डिस्काउंट अभी हम कुछ अप्लाई करेंगे, आज समझिए शाम तक, अगले 3-4-5 दिन डिस्काउंट चलेगा, 3-4 दिन, आज शाम तक, मतलब आप ये समझिए कि 5 मई के बाद डिस्काउंटेड प्राइस आपको आएगा, थोड़ा डिस्काउंट लगा देंगे जो बेस्ट होगा, ठीक है। कलर्ड बुक्स पॉकेट अलाउ नहीं करती, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ऑप्शन है, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं, ठीक। 5 मई के बाद आपके उस पे लिंक आ जाएगा ग्रुप पे, आप आराम से प्लेस कर सकते हो, यू कैन प्लेस द ऑर्डर, ठीक है ना। बाकी हाँ, BABA कोड इज वेरी सिंपल, BABA, ठीक है। मैं एक बात हाँ करना पड़ेगा, मैं एक बात मानता हूं, देखो अगर पॉकेट थोड़ा कम अलाउ कर रही ब्लैक एंड व्हाइट खरीद लो, लेकिन फिजिकल बुक से जो पढ़ने का वो है, यू कैन नॉट बीट दैट, मैं आपको बता रहा हूं, मैं मेरा ऐसा मानना है। इसलिए प्राइजेस बहुत ज्यादा नहीं रखे, आप देखेंगे तो कलर्ड और उसके भी बहुत कॉम्पिटेटिव प्राइजेस रखेंगे, बहुत सारी बुक हम भेजते हैं, बहुत सारी, ठीक है। अद्वैत कैंसिल वैंसिल मत करो, डिस्काउंट ऐसा नहीं है कि 50% आ जाएगा, जो नॉमिनल डिस्काउंट जो हम दे पाएंगे, मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होता बुक में, आपको ये पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कैंसिल करने की जरूरत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत नॉमिनल आएगा उस, और प्रायोरिटी बेसिस पे डिस्पैच करेंगे, टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। साक्षी वो नंबर दे दो यहाँ पे एक बार बच्चों, ये नंबर पे आप मैसेज कर देना, ग्रुप क्रिएट कर देंगे, ये ग्रुप क्रिएटेड है तो उसी पे ऐड कर लेते हैं, ग्रुप क्रिएटेड है ना उसी का लिंक दे दो, एक काम करो ग्रुप तो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसी का लिंक दे दो,
ठीक है। आपका निकल भी गया होगा ईशा, मुझे लगता है मिलने वाला होगा। हिंदी में नोट्स नहीं होंगे बच्चे, आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं। क्या करो आपका मॉड्यूल होगा आपके पास, मॉड्यूल से ही आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, मिल जाएगा। हाँ डिस्पैच हो गया होगा आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप, तो जो संकल्प का ऑफिशियल है वो तो रहेगा ही, ठीक है ठीक है। हाँ ट्रैकर वगैरह सब उसी पे आ जाएगा, ग्रुप पे सब कुछ। देखिए मैं बता रहा हूँ फरहान, क्या है कि जो बुक हमारी है, हमारा बहुत सारे कोलैब हैं, हम उस बुक की पीडीएफ नहीं दे सकते, ठीक है। टैक्स वाले सर भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है, ये क्योंकि सब हमारी सबकी पब्लिकेशन से आती है। तो इसलिए हम बच्चों को कहते हैं यार, हम तो वैसे कलर्ड ही रहते थे, लेकिन हमने बच्चों को बोला कि मैंने कहा बेटा एक काम करो कि अपना आराम से यहाँ भेजो, डाउट सेक्शन में मत भेजो। एक मिनट, चलो ले लेता हूँ मैं यहाँ से, एक मिनट रुको, पब्लिक ग्रुप है ना ये, पब्लिक ज्वाइन ही करा देते हैं, ऐड करना लिंक उठाना बहुत, एक मिनट रुको। हाँ वो चल जाएगा, तुम वो चल जाएगा, ठीक है, मैंने कर दिया है, यू कैन ज्वाइन दैट। किसी के पास अगर मेन का है तो आप कर सकते हैं, मई की बुक नवंबर में चल जाएगी, बहुत कम ना के बराबर ही है ही नहीं डिफरेंस, बस क्वेश्चन ऐड होंगे। हाँ लेकिन अगर ओल्ड कोर्स की है तो वो नहीं चलेगी, अगर उससे पिछले की तो वो नहीं चलेगी नवंबर 23 की, ठीक है। जैसा मन हो अभी करना, अभी कर दो ईशा, बाद में करना बाद में, जैसा आपको सही लगे, दोनों भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी दे देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे देते हैं, चलो वो नेक्स्ट क्लास में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे और कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सिसिर इस ग्रुप पे हम सारी डिटेल भेज देंगे, सब डिटेल के साथ, ठीक है ना। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, बुक के लिंक विंक जितना भी कॉम्बो क्या कैसा प्राइस हो रहा है सब इसी पे।